हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका विद फरहत। आज मैं शेयर करूंगी आप सबके साथ इंस्टेंट इडली की रेसिपी, यानी कि मैं आज बनाऊंगी रवा इडली, वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी। और स्वाद आप देखेंगे कि बहुत ही इसका अच्छा आता है और इडली भी हमारी बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। यहाँ पे मैंने लिया है रवा यानी कि सूजी, और यहाँ पे मैं बारीक वाला रवा यूज़ कर रही हूँ। तो ये हम इसमें ऐड करेंगे 2 कप। और साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें दही। तो दही यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 1 कप, और यहाँ हमें थोड़ी सी खट्टी दही यूज़ करनी है ताकि हमारे इडली में अच्छा सा खट्टा फ्लेवर आ सके। साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून नमक, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा यहाँ बहुत ही गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। बैटर हमारा यहाँ तैयार हो चुका है और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बहुत ही गाढ़ी भी नहीं है और बहुत ही पतली भी नहीं है। तो बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी हमें इसकी रखनी है। यहाँ पे मैंने 1 ग्लास पानी यूज़ किया है और इसे अब हम रख देंगे आधे घंटे के लिए ताकि सूजी हमारा अच्छे से फूल जाए और फिर हम इसकी इडलियाँ बनाएंगे। आधा घंटा हो चुका है और सूजी हमारी यहाँ अच्छे से फूल चुकी है, आप देख सकते हैं। इसे सॉफ्ट बनाने के हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। तो याद रखिएगा, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं बेकिंग पाउडर, हमें बेकिंग सोडा यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। तो ये इसमें मैं ऐड करूँगी 1.5 छोटे चम्मच। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो बेकिंग पाउडर की जगह पर इनो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इनो सॉल्ट यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप 1.5 चम्मच ही यूज़ करें। तो ये बैटर हमारे यहाँ रेडी हो चुका है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस तरह का एक इडली स्टैंड लिया है तो सबसे पहले हम इसे ग्रीस कर लेंगे ताकि इडलियाँ बनने के बाद इसमें चिपके ना। तो सारे पार्ट्स में हम अच्छे से ऑयल लगा लेंगे। तो अच्छे से इसे मैंने ग्रीस कर लिया, इसमें हम अपना बैटर डालेंगे। बैटर हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि हमारी इडली बनने के बाद फूलेगी, तो फूलने का भी जगह चाहिए इसे। तो हम इसमें बैटर थोड़ा सा कम डालेंगे। यहाँ पे मैंने एक पतीले में पानी चढ़ाया था और ये आप देख सकते हैं कि पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो रहा है। इसमें हम डाल देंगे अपने इडली स्टैंड को, और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पानी हमेशा हमारे इडली स्टैंड के नीचे होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए। इडली स्टैंड में टच भी नहीं करना चाहिए, उससे नीचे होना चाहिए, नहीं तो हमारी इडलियाँ गीली हो जाएंगी। फ्लेम को अब हम यहाँ पे कर देंगे मीडियम, और मीडियम फ्लेम पे इसे हम ढककर पकाएंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट यहाँ हो चुके हैं तो गैस को हम यहाँ पे ऑफ कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं यहाँ हम अपनी इडली को। तो यहाँ पे एक नाइफ की मदद से हम इसमें इस तरह से डाल कर देखेंगे, और नाइफ हमारे यहाँ बिल्कुल साफ निकल रहा है, इसका मतलब हमारी इडली हो चुकी है। बाहर निकाल लेते हैं इसे। तो यहाँ इडली हमारी हल्की ठंडी हो चुकी है,
तो इसे हम छोटे से स्पून की मदद से निकाल लेंगे बाहर। पहले मैं इस तरह से साइड से करेंगे ताकि इडली हमारी आसानी से निकल जाए। ये देखिए इस तरह से हम निकाल लेंगे सारी इडलियों को। तो बहुत ज़्यादा ठंडा करके हमें इसे नहीं निकालना है, नहीं तो फिर इडलियाँ हमारी चिपक जाएंगी इसमें। तो ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी सॉफ्ट इडली यहाँ बनकर तैयार हो चुकी है। और आप इसे खाएंगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि ये रवा इडली है। आपको बिल्कुल सेम जो इडली का फ्लेवर होता है चावल दाल से जिसे हम बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही लगेगा इसका स्वाद आप सबको। ये देखिए ये अंदर से कितना फ्लफी कितना सॉफ्ट है आप देख सकते हैं। और ये भी आप देख सकते हैं इसमें कितने अच्छे जाले बनकर तैयार हुए हैं। तो इस टेस्टी सी इडली को सर्व कीजिए नारियल की चटनी और साथ में सांभर के साथ। और इन दोनों की रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आप सबको कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।